अशोक जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आपको आ रही है सर? जी जी आ रही है, सवाल बताइए सर। हाँ हाँ सवाल मेरा है, मेरे पास में IRFC के 197 के रेट पे 2568 शेयर्स है, अभी तो लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? क्या अभी हाल फिलहाल में लिए है लग रहा है? जी जी 197 पे लिया है। हाँ सरवन जी 197 पे ले लिया, अटक गए IRFC में, क्या राय बनेगी? देखिए वही बात है, गुड स्टॉक बैड टाइमिंग। थॉट मेरा ये रहेगा कि भाई यहाँ उछालों में निकले, नीचे के लेवल्स यहाँ डेफिनेटली इनको लेने के लिए मिल जाएंगे, नहीं तो एटलीस्ट अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। तो अगले 3-6 महीने में इसमें अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, बाजार के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर बाजार ऊपर भी गया तो कम चलेगा, और अगर बाजार नीचे गिरा तो ये और ज्यादा गिरेगा। तो मेरी राय तो रहेगी कि उछालों में निकले, काफी लेट आए हैं स्प्रेड में। जैसे अभी मैं पिछले कॉलर को बोल रहा था, काफी चला हुआ स्टॉक है पीछे से और 20 रुपए से चला हुआ स्टॉक है, तो आई थिंक काफी लेट आए हैं स्प्रेड में। काफ़ी लेट थोड़ा सा, हाँ तो वेट करिए थोड़ा सा, इसके बाद इसमें भी सोचिएगा, दोबारा कॉल लीजिएगा क्योंकि सर इसमें एक इनको बहुत सिंपल रहा है सबके लिए देता हूँ। हाँ इसमें आप अपना टाइम वाइज स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 15 दिन में आपको इसमें से निकलना है, भाव कुछ भी हो 15 दिन तक नहीं चला तो आपको निकलना ही है इसमें से। ओके भाई 15 दिन में निकल जाइएगा भाव कुछ भी हो, ये सबसे बढ़िया है, कोई दिमाग नहीं लगाना, 15 दिन याद रखना खाली। चलिए अगला सवाल है मितेश का, द्वारका से। मितेश जी नमस्कार। जी नमस्ते। द्वारका में मेरे पास जेबी पावर के शेयर है, 17 रुपीज की बाइंग है, 30,000। कितने? 30,000 शेयर जी। सर्वेन जी जेबी पावर सर, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि अभी इस पे मैं आज राय नहीं दे पाऊंगा, इनको मितेश जी को फायदा हो रहा है इस समय, 1.85 रुपया पर शेयर का फायदा हो रहा है। मितेश जी टेक्निकली शायद राय नहीं दे पाएंगे सरवेन जी, क्योंकि थोड़ा सा उस तरह के स्टॉक है ना जहाँ पे काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं लेकिन फायदे में चले, किसी और एनालिस्ट से कोशिश करेंगे इस पर राय दिलवाने की, 11:30 वाले शो में यूट्यूब में भी कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके फिर और सवाल लेंगे।